नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 25 जुलाई के दिन निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहने चाहिए। तो दोस्तों, साथ ही साथ ये भी देखेंगे मार्केट ने अपने लिए कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है। बट उससे पहले देखते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट ने कहाँ पे कामकाज किया। दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट ने हमें पहले तो एक गैप अप ओपनिंग दी टुवर्ड 16,660 लेवल के आसपास। अब ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर का लेवल देखा 16,700 को, यहाँ पर पहले ही आधे घंटे के अंदर टच किया। इसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और मार्केट ने हमें नीचे की तरफ डे का लो लगा दिया 16,620। इस लेवल के पास आते ही मार्केट ने वापस से एक बाइंग लेवल था, मार्केट में वापस एक उछाल देखा गया। हल्के टेक्निकल पुलबैक्स लेते हुए मार्केट ने तकरीबन 2:40 में अपने दिन का हाई 16,752 इस लेवल को यहां पे छू लिया। क्लोजिंग जो हमें मिली वो 16,719 की थी, 16,719 की क्लोजिंग हमें मिलती हुई नजर आई। अब मंडे को क्या हो सकता है, देखिए मंडे को ग्लोबल सिनेरियो जो ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। गैप डाउन मार्केट यहां आपको 16,650 इस लेवल के आसपास कहीं पे आपको एक कैप्टन दे सकता है, 16,650 लेवल। अब अगर मार्केट 16,650 के नीचे खुलती है तो हमारी क्या सिनेरियो होगा। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि अगर 16,650 मार्केट ब्रेक करती है, आपको इमीडिएटली पुट की पोजीशन में नहीं बैठना, आपको एक लेवल टूटने की वेट करनी है और वो लेवल है यहाँ पर 16,631 ये लेवल 16,631। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाती है तो इमीडिएटली आप यहां पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट्स नीचे की तरफ आपके पास जो होने चाहिए वो पहला टारगेट आपका 16,585 और दूसरा 16,550। ये दो टारगेट्स आपको नीचे की तरफ पुट पोजीशन में मिल जाएंगे। कॉल की पोजीशन में आपने तभी बैठना है जब मार्केट ये लेवल 16,680 इसके ऊपर जाती है, नहीं तो मंडे के लिए हम कॉल को इग्नोर करेंगे जब तक 16,680 का लेवल मार्केट नहीं छूता। फिर ऊपर की तरफ अगर ये यहां से क्रॉस कर जाता है, बाय चांस ये मार्केट में इस लेवल को क्रॉस करके निकलता है, तब आपके पास क्या लेवल्स होने चाहिए। फिर आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ कॉल साइड में 16,730 और दूसरा टारगेट 16,762। ये दो टारगेट्स के लिए आप यहां पर निफ्टी में बैठ सकते हैं। दोस्तों, और मैं आपको एक चीज बता दूं, 27 जुलाई को मतलब कि बुधवार के दिन यूएस में फेड की मीटिंग है और फेड के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि क्या फेड ने यूएस के अंदर कोई रेट हाइक की है या नहीं, और अगर है तो क्या वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा, यहां पर इस हफ्ते रिलायंस के भी रिजल्ट आए हैं, रिलायंस के जो रिजल्ट्स हैं वो उम्मीदों से नीचे हैं और जो आईसीआईसी बैंक है उसके रिजल्ट्स जो हैं ऑन पार है जैसे एक्सपेक्टेड थे। तो यहाँ पे मिला जुला रिएक्शंस मिलेगा आपको क्योंकि रिलायंस इज अ हैवी वेट ऑन निफ्टी 50, तो इसलिए आपको एक जबरदस्त गैप डाउन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। बाकी लाइव स्ट्रीम को जरूर देखते रहिएगा क्योंकि मैं उसके अंदर आपको लेवल्स मार्क करके बताता हूँ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और आप उसका डेली फायदा उठा सकते हैं। तो
वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।